गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 संस्कृत सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 आकाश पद्धति। तो सबसे पहले मैं इस यूनिट को रीड करती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कराती हूँ। तो आप सब टेक्स्ट बुक ओपन रखें और उसमें ध्यान रखें। अध्याय नंबर 2 आकाश पद्धति, यानी कि आकाश नीचे गिर रहा है। एकम वनम अस्ति तत्र शशक निवसति, शशक शयनम करोति। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक खरगोश की बात बताई गई हमें कि एकम वनम अस्ति, यानी कि एक छोटा सा जंगल है। तत्र शशक निवसति, वहां पर एक खरगोश रहता है। शशक शयनम करोति, तो जो खरगोश वहां पर रहता था वो वहां पर आराम कर रहा था। पर्ण पतति, तो उसी वक्त क्या होता है कि पेड़ से ऊपर से एक पर्ण नीचे की ओर गिर रहा है। शशक भीतः भवति, जैसे ही पर्ण ऊपर से नीचे गिरता है खरगोश के ऊपर, तो वैसे ही जो खरगोश है वो बहुत डर जाता है। शशक धावति, तो जो खरगोश डर जाता है उसके बाद वो भागने लगता है। श्रृगाल आगच्छति, जैसे ही खरगोश भागता है तो उसी वक्त एक लोमड़ी जो है वहां पर आता है। शशक वदति, खरगोश बोलता है। शृगाल भ्रातः धावतु आकाश पतति, जब खरगोश भागता है तब जो लोमड़ी है वो उस वक्त आ जाता है। तो खरगोश जो है लोमड़ी को बोलता है शृगाल भ्रातः धावतु, यानी कि लोमड़ी भाई यहाँ से भागो, आकाश पतति, आकाश जो है वो नीचे गिर रहा है। शशक धावती शृगाल अनुधावती, तो खरगोश दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे जो लोमड़ी है वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वानर आगच्छति, जब खरगोश और लोमड़ी दोनों भाग रहे हैं तो उसी वक्त वहां पर एक वानर भी आता है। शशक वदति, वानर प्रातः धावतु आकाश पतति, तो जब वानर वहां पर आता है तो जो शशक जो खरगोश है वो वानर को बोलता है कि वानर प्रातः धावतु आकाश पतति, कि वानर भैया दौड़ो, आकाश भी नीचे गिर रहा है। भीतः शशक धावति, तो डरा हुआ खरगोश जो है वो दौड़ रहा है। शृगाल अनुधावति, यानी कि जो लोमड़ी है वो भी उसके पीछे दौड़ता है। वानर अपि अनुधावति, तो जो बंदर जो है वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। सिंह आगच्छति, तो जब ये तीनों साथ में भाग रहे हैं तो वहां पर एक सिंह आता है। सिंह वदति किमर्थ धावसि, तो सिंह उन लोगों को पूछता है कि किमर्थ धावसि, आप तीनों किस लिए दौड़ रहे हैं। शशक वदति सिंह भ्रातः धावतु आकाश पतति, सिंह वदति आकाश पतति वा पुत्र पतति, तो जैसे ही वो तीनों भाग रहे हैं तो वो सिंह वहां पर आ जाता है और सिंह उन लोगों को पूछता है कि आप तीनों क्यों भाग रहे हैं। शशक वदति सिंह भ्रातः धावतु, तो जो खरगोश है वो बोल रहा है, खरगोश जो है वो बोल रहा है सिंह भ्रातः धावतु, यानी कि सिंह भाई आप भी दौड़ो। आकाश पतति सिंह वदति, तो जो आकाश नीचे गिर रहा है। सिंह वदति आकाश पतति वा पुत्र पतति, तो सिंह उन तीनों को पूछता है क्या खरेखर आकाश नीचे गिर रहा है, पुत्र पतति कहाँ गिर रहा है। शशक गच्छति, तो खरगोश जो है वो जा रहा है उन लोगों को बताने के लिए। सिंह अपि सह गच्छति, तो जो सिंह है वो भी उन लोगों उसके साथ जा रहा है। शशक वृक्ष समीपम आगच्छति, जो खरगोश जो है जो वृक्ष के नीचे जो बैठा था और उसके ऊपर जो झाड़ का जो पेड़ पर से जो पत्ता उसके ऊपर गिरा था वहां उस जगह पर वो सभी को लेकर जाता है। सिंह पतति पुत्र पतति आकाश, तो सिंह बोलता है खरगोश को पूछता है कि कहाँ आकाश नीचे गिरा है। शशक किम अपि न वदति सिंह हसति, तो खरगोश जब सिंह उसको पूछता है कि आकाश कहाँ नीचे गिरा है तो खरगोश कोई कुछ भी जवाब नहीं देता है और सिंह हंसने लगता है।
शशकः पलायनं करोति। जैसे ही वो सब हंसने लगते हैं तो खरगोश जो है वो वहां से भाग जाता है। अब इस यूनिट में जो टिप्पणी है वो हम एक बार देख लेते हैं। शशकः, शशकः मतलब होता है खरगोश। पतति, पतति यानी कि नीचे गिरता। भवति, भवति का मतलब होता है बनना। श्रुगालः, श्रुगालः का मतलब होता है लोमड़ी। धावतु, धावतु, धावतु यानी कि भाग जाना। अनुधावति, अनुधावति का मतलब है कि उसके पीछे पीछे भागना। पुत्र, पुत्र का मतलब होता है कहाँ, किस जगह। किमपि, किमपि का मतलब होता है किस लिए। पलायनम, पलायनम का मतलब भी भागना होता है। अब टेक्स्ट बुक में जो नीचे स्वाध्याय दिया है वो हम एक बार देख लेते हैं। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नीचे ना शब्दों नु मोटे भी उच्चारण करो। तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए वो वर्ड्स को आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। फर्स्ट वाला है शशकः, सेकंड भीतः, थर्ड वानर प्रातः, फोर्थ आगच्छति, फिफ्थ अनुगच्छति, सिक्स वृक्ष समीप। अब क्वेश्चन नंबर टू, विभाग क म आपेल चित्रो जोई ख विभाग साथे जोड़ो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क विभाग में जो भी पिक्चर दिए है वो पिक्चर्स को उसके सामने जो उसका सही वर्ड है उसके साथ आपको ज्वाइन करना है। तो क में उसका पिक्चर दिया है, ख में उसका जो जो उसका सही वाला मतलब है वो दिया है। तो फर्स्ट वाला पिक्चर किसका है, तो खरगोश का है। तो खरगोश का मतलब क्या होता है, शशक। तो आपको उसके उसके साथ ज्वाइन करना है। नंबर टू में मंकी का पिक्चर दिया है तो उसको आप वानर के साथ ज्वाइन करना। नंबर थर्ड में सिंह, तो सिंह जो सिंह वाला पिक्चर उसको सिंह के साथ ज्वाइन करना है। नंबर फोर्थ लोमड़ी का पिक्चर दिया है तो उसको आपको श्रुगालः के साथ ज्वाइन करना है। और लास्ट वाला जो है जो ट्री का पिक्चर दिया है उसको आपको वृक्ष के साथ ज्वाइन करना है। अब आ वाला जो है जोड़ का जोड़ो, तो उसमें पहले पिक्चर दिया है और उसके सामने उसका जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस के साथ आपको उसको ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसको जो फॉर वाला है सिंह बदती उस पिक्चर के साथ ज्वाइन करना है। सेकंड वाला जो पिक्चर है वानर अनुधावती, तो वहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो शशक लोमड़ी और वानर थी वो साथ में भाग रहे हैं तो आपको उसके साथ ज्वाइन करना है। नंबर थर्ड में पर्ण पतति, नंबर फोर वाला पिक्चर है शशक शयनम करोति, नंबर फिफ्थ में जो सिंह आ रहा है तो उसको आप सिंह आगच्छति उसके साथ ज्वाइन करना है। और लास्ट वाला जो बचा शुकालः वदति। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो ये अध्याय जो आकाश पतति वाला है वो फिनिश होता है। तो आप घर पर ये जो सभी टिप्पणी में जो भी वर्ड्स लिखा है वो घर पर एक बार अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। और यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। गुड बाय।